आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपने को आज डीबाई मॉडल का पार्ट सेकंड डिस्कशन करना है। फर्स्ट में अपन ने इंटरनल एनर्जी निकाली थी डेफिनेट फॉर्मूलाज के फॉर्मूला की मदद से अपन ने वैल्यू निकाली थी, ठीक है। आज अपन बढ़ते हैं वहां से आगे। जब एनर्जी आपके पास है तो आप विशिष्ट ऊष्मा निकाल सकते हो। सुनिएगा ध्यान से और सीखिएगा भी ध्यान से, क्योंकि बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। समाकलन करना होगा अपने को यहाँ पर, और समाकलन जो बच्चा कर लेगा वो अंत तक के पहुंच जाएगा। डीबाई मॉडल की हेडिंग क्या है? थर्ड हेडिंग है जी, विशिष्ट ऊष्मा। और किसके लिए? डीबाई मॉडल के लिए। तो हम जानते हैं कि, सुनो ध्यान से, हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा, डीबाई मॉडल के लिए आंतरिक ऊर्जा अपन ने निकाली थी लास्ट वाले लेक्चर में, और उसको यू कहा था। और यू का मान क्या निकला? 9N इंटू एच, चलो एच यानी था, ठीक है। नीचे क्या था? न्यू डी क्यूब, इंटीग्रेशन था 0 to ν d, ठीक है। फिर ई बार का फॉर्मूला तो याद ही कर लो, 1/2 + 1 / एक्सपोनेंशियल एच न्यू / kBT -1, ई बार हो गया। ई बार के साथ में क्या था, थोड़ा सा माइंड लगाओ, न्यू वाली फॉर्म थी मीन्स न्यू स्क्वायर डी न्यू, लेकिन यहां पर एक पद अपन ने छोड़ दिया 0 to ν d, एच न्यू भी यहां पे। ये था इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो अपन ने निकाला था, किसकी मदद से? ई बार की मदद से और क्रॉस सेक्शन की मदद से। ओके डियर, नो प्रॉब्लम। यू इक्वल, आगे बढ़ो थोड़ा सा, इस एच को बाहर लाओ, 9N, एच कॉन्स्टेंट है ना, बाहर ले एच। नीचे क्या है? न्यू डी क्यूब, इंटीग्रेशन 0 to ν d, अंदर है 1/2 + 1/ एक्सपोनेंशियल एच न्यू / kBT -1। एक न्यू यहां पे, न्यू स्क्वायर मिलके क्या हो गया? न्यू क्यूब इंटू डी। अपन ने मान लिया इसको समीकरण एक। ओके डियर, यहां तक हो गया। अब आपको पूरा कंसेप्ट बताया है, यू है विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है, तो टी के रेस्पेक्ट में समाकलन नहीं, टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, अवकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सीवी। बस इतना ध्यान रखा करो, जब यू आपके पास है तो सीवी निकालना है, तो यू का क्या कर दो? डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो वी कैन से स्पेसिफिक हीट, सो स्पेसिफिक हीट सीवी इक्वल du/dT। इक्वेशन को, समीकरण एक को समीकरण दो में रखने पर, अब देखिए इतना बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन डरने की बात नहीं है, डट के जो मुकाबला करता है मुकाम हासिल करता है। ऐसा नहीं है कि कैसे करेंगे इतना बड़ा, जो डट जाएगा पूरे लेक्चर में मेरे साथ उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, सीवी इक्वल d/dT, ओके नो प्रॉब्लम। फिर अपने को ये वाली टर्म रखनी है, तो यहां जो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर कर दीजिएगा, ये वाला कांस्टेंट है मींस 9N इंटू एच। नीचे क्या है? न्यू डी क्यूब, कांस्टेंट को बाहर कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर समाकलन 0 से ν d, अब आपको क्या करना है? d/dT अवकलन करना है इस वाली टर्म का, ठीक है, कर दीजिएगा 1/2 + 1 एक्सपोनेंशियल एच न्यू kBT - 1। ओके, टर्म रहे कौन सी की? न्यू वाली टर्म रहेगी, मींस न्यू क्यूब इंटू क्या आ गया? डी। समझ आ गई बात? अब देखिएगा, d/dT कांस्टेंट हो जाएगा 0, फिर 1/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अरे होता है ना, 1/x, nxn-1, -1/ क्या हो गया? x2। ऐसे निकालते हैं ना, d/dT, टी का ही निकाल लेते हैं, 1/t का अपने को निकालना पड़ेगा, तो d/dT
डी अपॉन डी टी टी की पावर माइनस वन एन एक्स एन माइनस वन, तो माइनस वन इंटू टी की पावर माइनस टू, तो माइनस वन अपॉन क्या हो गया टी स्क्वायर। देखिएगा अब आप ध्यान से, इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है, उस तरफ मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होगा। पहले अवकलन करोगे उसके बाद ही समाकलन वाली टर्म का आप यूज करोगे, क्योंकि आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो पहले डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन होने के बाद ही कुछ होगा। और मेन बात यह है कि डिफरेंशिएशन ही आपको करना है, समाकलन आपको यहां पर इसके साथ किसी प्रकार का कोई करेक्शन आपको नहीं करना होता है। तो देखिएगा सी वी इक्वल नाइन एन एच अपॉन न्यू डी क्यूब ओके जीरो टू न्यू डी। अब यहां से शुरू कर दीजिए, इसका कॉन्स्टेंट हो गया वन अपॉन एक्स का क्या होना है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स नीचे वाली पूरी टर्म, तो एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के बी टी, के बी बोल्ट्जमान नियतांक है, माइनस वन इसका क्या कर दिया जी स्क्वायर। क्या कंप्लीट होगा? नहीं, जिसको x माना है उसके अवकलन से गुणा होगा, मींस मल्टीपल। इसको x माना है तो इसका अवकलन e की पावर x का वापस क्या हो गया e की पावर x, तो मल्टीपल किससे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल h nu अपॉन के बी टी। डरना मत, ये एक्सपोनेंशियल का मतलब है e के आगे जो भी रखा हुआ है ना वो यहां पावर में है, ठीक है ना। इतनी बात क्या अब भी पूरा हो गया? फिर से सुनो, वन अपॉन एक्स का क्या हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ओके। इसको एक्स माना था तो इसके अवकलन से भी गुणा करना होता, तो e की पावर एक्स, ये वापस वन कांस्टेंट हो गया, इसका क्या कर दिया अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है। लेकिन अब भी क्या ये पूरा हो गया? नहीं, इस वाले के साथ वापस टी प्रेजेंट है, मीन्स इस टी के गुणांक का भी क्या होगा अवकलन होगा। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मीन्स इसका अवकलन आप करोगे तो एच न्यू अपॉन के बी कॉन्स्टेंट हो गया डियर, नीचे वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन क्या हो गया टी स्क्वायर, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, अरे हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। टी मान लो और उसके बाद टी मानते उसके अवकलन का भी तो गुणा करते हैं ना ऐसा, ठीक है बढ़िया। आगे सी वी इक्वल निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो नाइन एन एच अपॉन न्यू डी क्यूब इंटीग्रेशन जीरो टू न्यू डी। एक की पावर में लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो, एक की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी डिवाइडेड बाई एक की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस वन, क्या हो गया जी इसका स्क्वायर हो गया। फिर एच न्यू अपॉन के बी कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना अपन ने, छोड़ा है इसके साथ ये भी तो है न्यू क्यूब इंटू डी न्यू, देखो ये पड़ा, ठीक है इस वाली स्टेप का काम हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा टी स्क्वायर है, तो एच न्यू क्यूब है एक और मिल गया अपने, तो न्यू की पावर चार हो गई, नीचे के बी टी स्क्वायर साथ में क्या हो गया डी न्यू, समझे इस बात को, ठीक है। उस वाले h को आप बाहर भी भेज सकते हो, ठीक है ना, इजीली कर सकते हो, एक साथ लिख दो क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है, तो इस h को कहाँ ले आओ इधर ले आओ, इसको आप इक्वेशन मान लो कोई, कि ये इक्वेशन तीन है। ये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अब अपन इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन अपने को करना है। मीन्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डी बाई आवर्ती न्यू डी का मान क्या होता है, अलग कलर में देख लेना कि न्यू डी का मान क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, वो डिस्कशन अब अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अपन इमेजिन करके चलते हैं कि यहां पर जो फंक्शन लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, इमेजिन, ठीक है, ये है ना एच न्यू अपॉन के बी टी, एच न्यू अपॉन के बी टी को मैं कोई फंक्शन मान लेता हूं कि कोई एक्स है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। तो यहां से जब आप न्यू की वैल्यू निकालो, मींस पूरे न्यू को किस में चेंज कर रहे हैं अपन, एक्स में चेंज कर रहे हैं, अपन ने फंक्शन मान लिया एच न्यू अपॉन के बी टी क्या है एक्स है, ठीक है डियर। न्यू की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी के बी टी अपॉन एच, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा
एक्स, जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। उस इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करोगे आप तो यहां से क्या मिला आपको, डी न्यू इक्वल के बी टी अपॉन एच, एक्स का अवकलन किया तो क्या हो गया, डी एक्स हो गया। समझ आ रही है बात कि किया क्या है अपन ने, कि अपन ने कोई फंक्शन इमेजिन कर लिया कि इसके सॉल्यूशन के लिए इसको थोड़ा छोटा करना है, तो एस न्यू अपॉन के बी टी को एक्स मान लिया, यहां से न्यू की वैल्यू निकाल ली अपन ने के बी टी अपॉन एच इंटू एक्स, ठीक है डियर। इसका अवकलन किया डी वी, यहाँ पर ऐसा नहीं है टी के रेस्पेक्ट में आप कर दो, जो फंक्शन माना है उन्हीं फंक्शन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो डी न्यू इक्वल टू के बी टी अपॉन एच, साथ में क्या आ गया जी, डी एक्स आ गया। समझ गए इतनी बात। अब पूरा का पूरा चेंज कर दो, ये पूरा मान है वो समीकरण तीन में रखने पर, तीन में रखिएगा क्या क्या चेंज होगा देखिएगा। क्रिटिकल है, ध्यान से सुनिएगा, क्रिटिकल है, लग भी रहा होगा, सी वी इक्वल, जैसे ही स्टेप भटक गए इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, 9n अपॉन न्यू डी क्यूब। अब मैं इसकी लिमिट नहीं बताऊंगा, लिमिट में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन करने के बाद, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आपके समझ नहीं आएगी कि ये लिमिट कैसे ली, ठीक है। e की पावर ये, तो e की पावर क्या हो गई जी, x, ओके। नीचे क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस वन का क्या मिल गया आपको, स्क्वायर, ठीक है, चल रहे हैं अपन स्टेप बाई स्टेप। फिर क्या है, एच स्क्वायर अपोन नीचे के बी इंटू टी स्क्वायर। फिर क्या है, न्यू की पावर चार, और न्यू की वैल्यू क्या है अपने पास, ये इसकी पावर कितनी होगी जी, चार, तो चार पावर कर दीजिएगा, मीन्स के बी की पावर चार, टी की पावर चार, ठीक है। नीचे एच है तो एच की पावर चार, एक्स है तो एक्स की पावर चार। फिर क्या आ गया, डी न्यू, और डी न्यू की जगह वैल्यू कौन सी पुटअप करोगे आप, ये वाली, और ये वैल्यू है, दिखाई दे रहा है शायद आपको, मैं यहां लिख देता हूं, मल्टीपल करोगे के बी टी, ठीक है जी, अपॉन एच इंटू डी एक्स। ऐसा नहीं है कि अब अपन इसको बहुत जल्दी में ले लेते, बहुत वेरी डेंजरस मैथमेटिकल कंसेप्ट आ गया, और धीरे धीरे ही समझना होगा, और धीरे धीरे सब कुछ होए। नेक्स्ट आगे चलिए, वहां से जो जा रहा है उसको काट दो, और जो रह रहा है उसको रख लो, मीन्स कैलकुलेशन से कर लो। तो यहां से देखिएगा, पहले टी की पावर काउंट कर लो, ऊपर टी की पावर कितनी है जी, चार है, ऊपर टी की पावर चार और एक कितनी है, ये ऊपर ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि स्पेस अपने पास इतना ही है, ये वाली टर्म मल्टीपल में है। अब देखिएगा मैं यहां बता देता हूं आपको, सी वी इक्वल, फर्स्ट टर्म है 9n अपॉन न्यू डी क्यूब, लिमिट में बाद में बताऊंगा बोल रहा है मैंने, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस वन का स्क्वायर। अब देखिए उस तरफ h कितने हैं, ऊपर दो है नीचे चार है क्या कुछ ऐसा, देखिएगा नीचे चार तो एच ये रहा, एक एच ये रहा, चार और एक पांच, पांच तो नीचे है, ऊपर एच कितना है दो, तो एच ऊपर कितना रह गया जी, पांच नीचे है और दो ऊपर, तो नीचे रह गया, ठीक है ना, एच क्यूब कहां रह गया जी, नीचे। उसी प्रकार टी कितना रह गया, ऊपर पांच ऊपर है दो नीचे है, तो टी कितना रह गया, तीन, ठीक है जी। फिर एक्स की पावर चार है ही अपने पास, डोंट, स्टेप के बी वाली बस की, तो के बी ऊपर कितना है, चार और एक पांच, ऊपर का मतलब देखिएगा चार तो ये रहा और एक के बी ये रहा, नीचे कितना है एक, तो चार है और ऊपर पांच है नीचे एक है, तो ऊपर कितना रह गया चार, मीन्स के बी की पावर कितनी रह गई, चार। बहुत ही क्रिटिकल काम है, इंटू क्या है, डी एक्स, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे अपन डट के। इतना काम हुआ आपका। अब देखिएगा एक्स की जगह अपन ने क्या माना था, एच न्यू अपोन के बी टी, सुनना ध्यान से, एक्स की जगह वहां पे माना था एच न्यू अपोन के बी टी, और ये जो न्यू होती है इस न्यू को ही क्या कहा जाता है, डी बाई आवर्ती न्यू डी इंटू क्या हो गया जी, के बी टी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है
एच न्यू डी अपॉन के बी, इसको लिया जाता है थीटा डी, मीन्स थीटा डी का मान क्या है, एच न्यू डी अपॉन के बी मीन्स थीटा डी डी बाई के लिए अंतक आवृत्ति, डी बाई के लिए क्या है अंतक आवृत्ति। बस ये बात मैं समझाना चाह रहा था आपको, वहां लिमिट क्या ले रहे थे जीरो से न्यू डी, लेकिन यहां लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, देखिएगा एक्स की जगह एच न्यू अपॉन के बी टी, न्यू डी रख दिया थीटा डी, ये स्टेप क्या बनी, यहां से आप ये लिख सकते हो ना एक्स बराबर क्या बना थीटा डी अपॉन नीचे क्या बन गया जी टी बन गया, मीन्स अब इस एक्स की लिमिट क्या होगी, रख दीजिए आप पहले न्यू डी जीरो रखिए, जीरो रखा तो x बराबर क्या मिला जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर न्यू की जगह न्यू डी रखा, न्यू डी रख दिया, सॉल्यूशन किया क्या आ गया थीटा डी अपॉन टी, मीन्स इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो गई, जीरो से लेकर थीटा डी अपॉन टी तक हो गई, समझना ध्यान से, जीरो से लेकर लिमिट हो गई थीटा डी अपॉन टी, तब मैंने यहां लिमिट नहीं ली, मीन्स ये लिमिट जैसे ही आप चेंज करोगे जीरो से कहां तक हो जाएगी थीटा डी अपॉन, ध्यान से समझना बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट है, इतनी बातें समझ आ गई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ भी नहीं करना, जो फंक्शन है उसको पूरे को पूरे फंक्शन को आप थीटा डी में चेंज कर दीजिएगा और आंसर फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप ये लिख सकते हो ना थीटा डी एच न्यू डी अपॉन के बी हो गया, इसी प्रकार यदि आपको कभी न्यू डी निकालना हो यहां से न्यू डी, तो आप क्या करोगे के बी इंटू थीटा डी, ध्यान से समझना के बी इंटू थीटा डी अपॉन एच, इधर उधर कर दिया अपन, इस इक्वेशन में रखिए तो क्या मिलेगा सी वी इक्वल, फर्स्ट टर्म क्या है 9n, ठीक है डियर कोई प्रॉब्लम, बाहर आ रहा है न्यू डी क्यूब जीरो से थीटा डी अपॉन टी, एक्सपोनेंशियल वाले में कोई परिवर्तन नहीं, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस वन का स्क्वायर, अब क्या आ गया जी t क्यूब अपॉन h क्यूब, ठीक है, मीन्स ये जो न्यू डी क्यूब है, ठीक है, इस न्यू डी क्यूब की जगह आप वैल्यू रख दो अपना काम हो जाएगा, ये रही नीचे क्या है न्यू डी क्यूब, इस न्यू डी क्यूब को मैं अंदर भेज देता हूं तो वन अपॉन न्यू डी क्यूब, तो के बी क्यूब थीटा डी क्यूब अपॉन एच क्यूब, देखिएगा ये है मान रख दिया अपन ने, नेक्स्ट स्टेप क्या है मल्टीपल बाई टी स्क्वायर अपॉन एच क्यूब के बी की पावर चार इंटू क्या आ गया डीएक्स, ठीक है, बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी लगे हैं अपन इसको करने को, नो प्रॉब्लम, एच क्यूब से एच क्यूब चला जाएगा, के बी की पावर तीन है एक पावर चली गई यहां से, जो रहा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, बढ़ो आगे, कोई स्टेप रह तो ना जाए, एक्स की पावर चार रह गई ना यहां पे, ये लो एक्स की पावर चार, तो क्या मिला अपने को सी वी इक्वल नाइन एन, सुंदर लिखिए थोड़ा सा, सुंदरता बिल्कुल गायब हो चुकी है इस डेरिवेशन में, जीरो से थीटा डी अपॉन टी, कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, x की पावर चार e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस वन का स्क्वायर, क्या क्या बचा वो लिखो, यहाँ पे क्या रहा t स्क्वायर रहा, नो प्रॉब्लम, एक साथ में क्या रह गया के बी रह गया, साथ में क्या आ गया डी एक्स आ गया, ठीक है, कोई स्टेप छोड़ी तो नहीं अपन ने, शायद कुछ रह गया है थीटा डी रह गया फर्स्ट वाली स्टेप में, देखिए जब अपन ने यहां न्यू डी की वैल्यू रखी थी तो न्यू डी ये रहा के बी थीटा डी, के बी थीटा डी नहीं, ठीक है पूरा काम, यहां पे क्या रहा टी स्क्वायर, लेकिन टी बी क्यूब होना चाहिए था, दो तो वहां पे पड़े हैं, अच्छा जी नो प्रॉब्लम, टी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रह गया जी थीटा डी का क्यूब, एक अपन ने कहां पे टी छोड़ा है और वहां पे टी का मान क्या है पावर चार, चार पावर है, चार और एक पांच, पांच में से दो गया तो कितना बचा तीन बचा है, तो तीन यहां पे पड़ा है अपने पास, अच्छा लिखा ही नहीं क्या, दो लिख दिया इसकी जगह, तो टी का क्या है क्यूब, यहां पर भी क्या है टी का, समझ आ रही है बात,
बहुत ही क्रिटिकल डेरिवेशन था भैया, और करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी मेरा पूरा प्रयास था मैं आपको हर एक स्टेप बताऊं कि कहाँ से आ रही है लेंथ, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब आपका रिजल्ट आ चुका है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सुनिएगा, सी वी इक्वल के बी को बाहर भेजो, 9n इंटू क्या मिल गया, के बी, ठीक है डियर, इंटू टी अपॉन थीटा डी, तो टी अपॉन थीटा डी बाहर भेज दिया मैंने, कहा इसका क्या है क्यू, जीरो से थीटा डी अपॉन क्या डी। नेक्स्ट स्टेप e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस वन का स्क्वायर, साथ में क्या आ गया जी, डी एक्स का मान आ गया बस। और ये इक्वेशन कौन सा था, चार हो गए थे क्या, आप अपने अकॉर्डिंग दे देना, मेरे ध्यान से ये इक्वेशन है अपना पांच। ये जो समीकरण पांच होता है यही विशिष्ट ऊष्मा को व्यक्त करता है, मीन्स डी बाई मॉडल में समीकरण पांच विशिष्ट ऊष्मा को व्यक्त करता है। लिख सकते हो यहां आप, समीकरण पांच विशिष्ट ऊष्मा को व्यक्त करता है। बड़ी परेशानियों के साथ यहाँ पे अपन पहुंचे हैं, यदि पूरा लेक्चर आप देख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, हर कंटेंट आपको बताया गया है, फिर भी हो तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे जो भी आपके दिक्कत होगी। अब देखिएगा, ये लिख सकते हो एन इंटू के बी क्या होता है, नियतांक आर होता है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो सी वी इक्वल टू 9R टी अपोन थीटा डी का क्यू, जीरो टू थीटा डी अपोन टी। मैंने कहा था मैं इसी को आपको समझाना चाह रहा था, थीटा डी क्या है, तो यहां से देख लीजिएगा, थीटा डी, तो थीटा डी क्या होता है, एच न्यू डी डिवाइडेड बाई के बी, पहले भी बताया था, फिर मैं बता देता हूं, थीटा डी होता है एच न्यू अपॉन के बी। आइंस्टीन में पढ़ा था अपन ने, वो क्या था थीटा, कंपेयर कीजिएगा थोड़ा सा, थीटा ई वहां पे एच न्यू अपॉन, वहां पे भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है ना। लेकिन हर एक टॉपिक का जो कॉन्स्टेंट होता है वो अलग होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, कुछ छोड़ दिया, फिर भी अपन ने यहाँ पे x की पावर चार भी आती है इंटू डी एक्स, मीन सुंदर लिखोगे आप तो x की पावर चार e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस वन स्क्वायर डी एक्स, समीकरण छः। समीकरण छः भी क्या है, डी बाई मॉडल की विशिष्ट ऊष्मा है। ओके डियर, लेंथी था, हार्ड नहीं है, जब आपको नॉर्मल कंसेप्ट पता होता है, मीन्स समाकलन में जो चरों का पृथक्करण करना जानता है कि टी मान के अपन कैसे सॉल्यूशन करते हैं, वो आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकता है, ठीक है। अब यहां से वही बात, जब आपके पास सी वी मिल जाता है तो सी वी का अपन सॉल्यूशन दो टाइप में करते हैं, कि यदि न्यूनतम ताप है तब ये कैसा रिजल्ट देता है, और हाई टेम्परेचर पर ये कैसा रिजल्ट देता है, अपन करते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, इस समीकरण छह के अनुसार न्यून ताप के ऊपर विशिष्ट ऊष्मा, समझते जाइए, चैप्टर का सबसे क्रिटिकल टॉपिक होता है ये, और कम्पिटिटिव आपके आईआईटी जेम होता है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। सीधा ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आपको फंक्शन की वैल्यू दे देता है, मीन्स ये फॉर्मूला अपने निकाला है ना, इसमें फंक्शन की वैल्यू दे देता है, आपको सिर्फ वहां समाकलन करना होता है, समाकलन करते ही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अपन बात करते हैं निम्न ताप पर इसका मान क्या होगा, तो ताप का मान जब निम्न होगा तो वही आइंस्टीन वाली बात, एट लो टेम्परेचर क्या होगा, ताप का मान कम कम होगा, मीन्स कंडीशन कैसे पैदा होगी, अपने पास पद क्या निकल के आ रहा था, एच न्यू अपॉन के बी टी निकल के आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें से टेम्परेचर को आपको कम करना है, मीन्स के बी टी इज वेरी वेरी लेस देन किसकी तुलना में, एच न्यू की तुलना में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको कि के बी टी अपॉन एच न्यू इज वेरी वेरी लेस देन के बी टी अपॉन एच न्यू, नहीं अपने को एच न्यू अपॉन के बी टी सी है, ऐसे क्यों कर सकते हैं अपन, तो एच न्यू अपॉन के बी टी का जो मान है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, वन है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो समीकरण तीन से अपन क्या लिख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट थिंक है, ठीक है। देखिएगा तो समीकरण तीन क्यों समीकरण छः से,
समीकरण 6 से। टॉपिक थोड़ा हार्ड है ना, तो एनर्जी भी ज़्यादा खाता है, तो जब एनर्जी पूरी लॉस्ट हो जाती है तो कुछ एक मिसमैच हो जाता है, डोंट वरी। एच न्यू अपन के बी टी वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, समीकरण 6 से। देखिएगा मैं क्या लिखूंगा इसको, सी वी इक्वल 9R टी अपोन थीटा डी क्यू। ठीक है डियर, ये वाली जो सिचुएशन यदि लग रही होती है तो उस सिचुएशन में e की पावर जो x वाला मीन्स एक्सपोनेंशियल के साथ, सुन लो क्या है, 0 से थीटा डी अपोन टी e की पावर x अपोन e की पावर x माइनस 1 साथ में x की पावर 4 dx, इस समाकलन का मान पाई स्क्वायर बट्टा 12 होता है, नहीं पाई स्क्वायर बट्टा 12 नहीं, 4 पाई स्क्वायर अपोन 15 होता है भैया, 4 पाई स्क्वायर अपोन 15 होता है, समझे इस बात को। ये पाई स्क्वायर अपोन 12 ध्यान रह गया, आपके वो पढ़ा था ना अपन ने विशिष्ट चालकता वहां से, सुनो ध्यान से। अब ऐसा नहीं है कि पूरी इस पे अप्लाई करो, अप्लाई करते हुए आप आगे से आगे चलो, बस इतना जब ये सिचुएशन होगी उस सिचुएशन में इस वाले फैक्टर का मान क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 15 होगा, मींस यहां पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 15 लिख सकते हैं अपन। जब इसका आप सॉल्यूशन करते हो तो सी वी आर की वैल्यू रखते हो, ठीक है, आर का मान डिफाइंड होता है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 15 रखते हो तो ये वैल्यू देता है 1.96 मल्टीपल बाई 10^6 टी अपोन थीटा डी क्यूब, बस इसको मान लो समीकरण 7। आई बात समझ, मेन समीकरण 7 से स्पष्ट है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान न्यूनतम ताप पर ताप की तृतीय घात के समानुपाती होता है, अतः न्यून ताप पर डीबाई मॉडल को टी क्यूब लो भी कहते हैं, टी क्यूब लो भी कहते हैं। न्यून ताप के बारे में डिस्कशन किया अपन ने, ठीक है, जैसे न्यूनताप के लिए करते हैं वैसे ही हाई टेम्परेचर के लिए भी करते हैं। आप दिमाग ये लगा रहे होगे सर समाकलन नहीं बताया, भैया अभी थोड़े टाइम पहले बताया था, बहुत लंबा हो जाता है, तब आपको सीधा बता दिया कि इस सिचुएशन में इसके समाकलन का मान आप याद रखिए 4 पाई स्क्वायर अपॉन 15। यार इतना तो कर ही सकते हो इतना करने के बाद, ठीक है, यदि आपको रिक्वायरमेंट होगी इसकी तो बता देना, टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे आपके साथ कि कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पर अपन ने क्या सीखा कि इसको कौन सा लो बोलते हैं, टी क्यूब लो बोलते हैं। अब अपन डिस्कशन करेंगे हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर रिजल्ट क्या आने वाला आपको भी पता है, रिजल्ट वही आएगा 3 × R, रिजल्ट क्या आएगा 3 × R आएगा। अब वो आता कैसे है वो देखिएगा, डिस्कशन करेंगे उच्च ताप पर, उच्च ताप पर एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर का मान अधिक होगा तो कंडीशन जस्ट उल्टी हो जाएगी कि एच न्यू का मान है वो लेस देन क्या हो जाएगा, के बी टी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, एच न्यू अपोन के बी टी, धीरे धीरे देखिएगा, लेस देन 1 रह गया, ठीक है, तब आप e की पावर x को क्या लिख सकते हो, 1 + x। यदि e की पावर x माइनस 1 है तो 1 + x - 1, समझे इस बात को, ठीक है, 1 से 1 चला जाएगा तो e की पावर x माइनस 1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, x पुट कर सकते हो, देन फ्रॉम इक्वेशन 6। देखिएगा ध्यान से, सी वी इक्वल 9R टी अपॉन थीटा डी का 0 to θ d/t लिमिट है इसकी, ठीक है, x की पावर 4, फिर स्टेप क्या आ गई, e की पावर x, तो e की पावर x की जगह हायर पावर नेगलेट है, क्या रख सकते हो, 1 + x, प्रसार होता है e की पावर x का, डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस 1 की जगह सॉल्यूशन बता दिया, क्या निकल के आने वाला है, x स्क्वायर है इसका, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर से इसको काटेंगे तो इसकी पावर कितनी जी, 2, मीन्स सी वी इक्वल 9R टी अपोन थीटा डी क्यूब 0 to θ d/t,
एक्स स्क्वायर बचेगा, मैं सीधा अंदर मल्टीपल कर रहा हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, साथ में क्या आ चुका जी डी एक्स आ चुका। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए क्या रिजल्ट देता है देखिएगा। एंडिंग पे अपना टॉपिक समाकलन बहुत आसान है, सी वी इक्वल 9R टी अपोन थीटा डी क्यूब, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपोन 3, एक्स क्यूब का x की पावर 4 अपोन 4, लिमिट 0 टू थीटा ई थीटा डी अपोन टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर रखेंगे नहीं क्योंकि 0 है, सब अपने आप 0 हो जाएगा, तो 9R टी अपोन थीटा डी क्यूब, अपर रखो पहले तो थीटा डी क्यूब अपोन 3T क्यूब, ओके नो प्रॉब्लम, प्लस फिर रखूँ तो थीटा डी की पावर 4 अपोन 4T की पावर कितनी हो गई 4। ठीक है, अब वही बातें हैं कि थीटा की मान और टी का मान, पावर क्या हो गई इसकी हाइयर मान हो गई, और वो सिचुएशन आप लगाओगे नीचे है तो इसका मान और भी कम हो जाएगा, मीन्स इसको अपन लेफ्ट कर सकते हैं, मीन्स हाइयर पावर को नेग्लेक्ट करने पर सी वी क्या मिलेगा अपने को 9R टी अपोन थीटा डी क्यूब इंटू थीटा डी अपोन 3T क्यूब, इसका भी क्यूब है भैया, और थीटा डी इसके पैरों में है, सुंदर लिखो थोड़ा सा, सी वी इक्वल 9R टी अपोन थीटा डी क्यूब, ओके 1/3 को बाहर ले लिया, सुंदर तभी लिखा है, तो थीटा डी अपोन क्या हो जाएगा टी इसका क्यूब, देखिएगा ये इसका जस्ट उल्टा आपस में चला गया, 3 का इसमें भाग दिया, कितने टाइम चला गया 3 बार, मीन्स सी वी कितना निकल के आ गया 3R, और मैंने कहा था कि उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान हमेशा 3R ही होता है, चाहे कोई सा भी मॉडल आप ले लो, मिसमैच सिचुएशन लो टेम्परेचर पर होती है, मीन्स जिससे स्पष्ट है कि डीबाई मॉडल उच्च ताप, डीबाई मॉडल की उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है, जो कि प्रायोगिक तथ्यों से सत्य साबित होता है। बहुत क्रिटिकल टॉपिक था, 2 इंटीग्रेशन थे, पहला इंटीग्रेशन भी काफी हार्ड था, अब वाला तो चलो ठीक है थोड़ा सा इजी था, बेखूबी सारे कंटेंट अपन ने पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे आइएगा और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल के साथ ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रयास है आपके सभी साथियों तक पहुँचे और अच्छे से अच्छा मैटर हम प्रोवाइड करवाएं, और अपना जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक तो आपको इस वजह से करना है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो इससे भी अच्छा गुड मैटर आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।